मोदी ने शेर की तरह दौड़ते हुए तुम्हारी शरीयत की हिफाजत की है। MIM लड़ेगी, आज 32 सीटों पर घोषणा किए, कल 60 सीट की घोषणा करेगी, इंशाल्लाह लड़ेगा और लड़के उस विधानसभा में जाएगा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बैनर तले, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के झंडे तले इस जंग को मैं आज नारा जा रहा है। ये पार्टी का आयोजन किए हम लोग कि जिताना है, पतंग छाप का साथ लड़ना है। अच्छा, कोई जब आपके हक को उठाने की बात करता है, आपके हक को दिलाने की बात करता है, जो जो हकूक आपके तर्फ कर लिए गए हैं उसे आपको दिलाने के लिए कोशिश ज्यादा अगर कोई रहता है तो वो असदुद्दीन अवैसी रहता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अशद इकबाल के नेतृत्व में ठाकुरगंज विधानसभा में MIM मजबूत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि ठाकुरगंज विधानसभा में दलित महिला जो सैकड़ों की तादाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुआ है, साथ ही साथ अशद इकबाल के नेतृत्व में पार्टी ठाकुरगंज विधानसभा में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। यहाँ आज दलित माँ दलित भाइयों ने, भाई बहनों ने, लगभग 100 लोग तकरीबन यहाँ MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए। इसमें हर कम्युनिटी के लोग शामिल हुए, हमारे दलित महादलित भाई भी हैं, इसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, हमारे गार्जियन हजरात भी हैं। MIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हुए और काफ़ी उत्साहित है लोगों में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पैगाम को लेकर के, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो भी पिछड़े अति पिछड़े दबे कुचले शोषित लोगों का जो आवाज़ बुलंद करते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोगों के घर वो आवाज़ पहुंच चुका है। सारे लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अख्तरुल ईमान साहब के साथ चलने को तैयार हैं और इस बार MIM को वोट देने को के लिए तैयार हैं और सारे लोग इस बार ठाकुरगंज विधानसभा में बदलाव चाहते हैं। पिछले 10 सालों से जो यहाँ वर्तमान जो हमारे विधायक हैं उनकी नाकामियों की वजह से उन्होंने जो विकास नहीं किया, आज हम लोग जो ये खास दहीबात वार्ड नंबर 11 है, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ 1 किलोमीटर दूरी में हम लोग को अपना मोटरसाइकिल 4-व्हीलर वगैरह छोड़ करके इस गांव में आना पड़ा। यहाँ कोई सड़कें नहीं है लोगों को आने जाने के लिए, आवाजाही करने के लिए, लोग बहुत परेशान और त्रस्त हैं। इससे क्षुब्ध होकर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से प्रभावित होकर इस पार्टी को सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मैं अभी आपको 2-4 लोगों से और बात करना चाहता हूँ। आप इस पार्टी को, आपका नाम क्या है? संजय। संजय जी, आप इस पार्टी से क्यों ज्वाइन हुए? मैंने सारे ये कि अपना दुख का तकलीफ वाली है, इसीलिए हम कि इस पार्टी को जिताएंगे, मेरा तकलीफ को मिटा देगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, इसीलिए हमें जो है इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं MIM पार्टी के बारे में? MIM पार्टी के बारे में इसलिए बोलना चाहते हैं कि यहाँ बहुत सी नेता आए, जैसा हमारे नौशाद साहब, वो लोग चाहते थे, हम 2 मरतबा यहाँ मीटिंग करके गए हैं, वो लोग चाहते थे कि नौशाद साहब हमारा कोई काम नहीं किया, और ये लोगों से मेरा पैगाम था कि नौशाद को हटा करके असदुद्दीन ओवैसी को, पतंग छाप को जिता कर आप लोग कामयाबी कीजिए। जो रास्ता घाट का रोड घाट है, जो कमी आप लोगों का है, इस कमी को हम लोग पूरा करेंगे और असदुद्दीन के साथ गल्ला से कंधे से कंधे मिला करके हम लोग सब इनके साथ होंगे। हमारी विधायक जी जो बतेज अफगाल हुसैन साहब जो बनेंगे, इनके साथ हम लोगों को लेकर के चलना है। जय हिंद। आप कुछ कहना चाहेंगे नेताजी? आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आपका क्या नाम? आपका क्या नाम है? बाला देवी। हमारा नाम बाला देवी, हमको घर का बहुत दुख है, क्या करेंगे? हमारा जो पति है उसका भी देखते हैं क्या है, रबुदा बहुत है। आप MIM पार्टी ज्वाइन जरूर होंगे? जोन आप क्यों ज्वाइन हुए इस पार्टी में? इस पार्टी में काहे जोन होते हैं? 10 साल 9 साल ठाकुरगंज किया है, यहाँ पर एक दिन भी नहीं आया। चांदनी चौक क्या होता है नहीं होता, पब्लिक को देखने नहीं आता है। घर में आने के लिए रोड नहीं हम लोग का? हमारा घर आने के लिए, जाने के लिए भी नहीं रोड है, क्या करेंगे? आने के भी नहीं रोड है, इसलिए बहुत हम जोर क्योंकि इसलिए हम लोग नया जोड़ते हैं। आप सुन ही रहे लोगों की दर्द से आप रूबरू हो रहे हैं, यकीनन खास करके जो दलित भाई माँ दलित भाई लोग हैं, इन लोगों के लिए जो स्पेशल फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से, इन लोगों को किसी के घर कुछ नहीं मिला। हम लोग अभी महादलित भाइयों के घर 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 जाना होता है, उन लोगों के घरों में बैठने के लिए जगह तक नहीं है, उनके घरों में 2 कुर्सियां तक नहीं है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं क्योंकि सरकार इनके साथ जो कहती है कि हम पिछड़े लोगों के साथ हैं, दलित महादलितों के साथ हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे फंड चलाते हैं, लेकिन जमीन के कुछ नहीं मिला है। वो लोग आज भी बहुत
परेशान और खस्ताहाल है, इसी से प्रभावित होकर एमआईएम पार्टी को ये सारे लोग साथ देने के लिए तैयार हैं और सारे लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुधा देवी। अच्छा, आप एमआईएम पार्टी ज्वाइन किए? लक्ष्मीपुर पंचायत से है हम लोग। हम लोग को दिक्कत यही है कि जाने आने में बरसात में खूब दिक्कत होता है, नदी में पुला नहीं है और जो पुला भी दिया है तो टूट गया है, जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को वही है परेशान। ये पार्टी क्यों ज्वाइन किया? ये पार्टी क्यों ज्वाइन किए हम लोग? कि जिताना है, पतंग छप का साथ लड़ना है। अच्छा, कोई जबरदस्ती तो आपको इस पार्टी में ज्वाइन नहीं कराया? नहीं, पतंग छप। आज हम लोग को संभलने का टाइम आ गया। संभलता किस 1975-76 जानते होंगे लोग, आप लोग देखे होंगे उस टाइम माई समीकरण की बात नहीं थी, माई समीकरण बात थी उस टाइम हम लोग जाते थे कितना 66-67 को जीत के आते विधानसभा। जब माई समीकरण की बात आई तो या तो जो उस टाइम होता था 5-6 को, आज मुसलमान है 5-6 वो है 66-67। क्यों? कि उसकी पार्टी है ना। अभी तेजस्वी यादव अगर मिलना होगा तो यादव से परमिशन लेना होगा आपको। किसे? यादव से, तब वो मिलेगा आपसे। क्यों? कि यादव की पार्टी है। आज जो एमआईएम को जो बोलता है वोट कटवा, रे भाई यही तो समझने की बात है। आज उसको बेचैनी है, इसलिए बेचैनी है कि वो बिहार से उसका वजूद खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इस बार चुनाव जो होगा विधानसभा, मैं इस ब्रिज के नीचे कहता हूँ, समाज के सामने कहता हूँ कि उसकी वजूद नहीं मिट गई आरजेडी की, तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल दीजिएगा आप लोग। आज मैं बता रहा हूँ, जब बेगूसराय से कन्हैया कुमार लड़ रहा था इसका एमपी का इलेक्शन, उस टाइम उसको हरवा दिया। क्यों हरवा दिया? कि मेरे पे भारी पड़ जाएगा। क्यों? आज उसको सटा लिए। क्यों सटा लिए भाई? कि सीपीएम का वोट मिल जाएगा। आज 16-17% मुसलमान बिहार में 18% है, आज उसको क्यों नहीं सटाए? कि वो मुसलमान की पार्टी है। अरे भाई, हमारे भाई एक बोले नहीं, उपेंद्र कुशवाहा VIP 2%, ठीक है, रामविलास, सब अपने अपने पार्टी गठबंधन कर लिया, सब उसकी पार्टी मानते हैं कि विधान परिषद का नाम है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, मल्ला है VIP मल्ला की पार्टी है, आपको अनेकों पार्टी सब अपने अपने जातों की पार्टी का मान लिए। आज मैं 16% हूँ तो मुझे आप गठबंधन में नहीं रखा जा रहा है, लेकिन मैं ये बोलते हुए जा रहा हूँ, हमेशा बोलूंगा ही, इस बार आरजेडी का वजूद बिहार से मिट जाएगा तो मिट जाएगा। आज मैं अपने मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बात करना चाहता हूँ। जब लालू प्रसाद ने जब जेल गया था तो ये राबड़ी देवी को सिंगल शहाबुद्दीन साहब ने मुख्यमंत्री बनाया था। क्यों बनाया था? लालू प्रसाद यादव जानता है कि मेरा कॉलर पकड़ने वाला एक ही शख्स है, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन है, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया। क्या उसकी सरकार थी कि नहीं थी? आज इसलिए कि आरजेडी का सबसे बड़ा मिशन है कि मुसलमानों को कुचला जा, मुसलमानों को दबाया जा। कुछ लोग देखिएगा अभी घूम रहे हैं विधानसभा में, कुछ लोग, नाम तो नहीं पता, कुछ लोग आप जानते होंगे, वो क्या करेगा मालूम है? मुसलमानों को बोलेगा ये तुम मीडिया प्रभारी है, मुसलमानों को महासचिव है, अगर तुम्हें दम आरजेडी में है ना तो 60 सीट दे, MIM नहीं लड़ेगी बिहार में, दे मुसलमान को सीट 60 को। क्या भाई, दे 60 सीट, क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं दे? हिस्सेदारी हमको चाहिए, इसीलिए इंशाल्लाह MIM लड़ेगी। आज 32 सीटों पर घोषणा किए, कल 60 सीट की घोषणा करेगी, इंशाल्लाह लड़ेगा और लड़के उस विधानसभा में जाएगा और जाने के बाद ये आरजेडी का मिट्टी पलीत करेगा इस बिहार से, ये देख लीजिएगा आप लोग। आज उसको बेचैनी हो गया है कि अरे क्या हो रहा है, कभी BJP का एजेंट बजाता है, कभी कुछ कभी कुछ। आज मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, जो बीच में सरकार गिरी थी ना, उसमें तेजस्वी यादव गए थे मिलने के लिए इससे क्या बोलते हैं उसको, अमित शाह से, कि मुख्यमंत्री बना, बेचारा जेटली बेचारा मर गया, उसने फोन किया नीतीश कुमार को कि तुम्हारा सरकार गिरने वाला, ऐसे से बात है, रातारात ही सरकार बनी। क्या उस टाइम BJP आसे ध्यान था सिर्फ अपने सत्ता के लिए, उन्होंने कि हमारा सत्ता कैसे बने, एक बार ध्यान रख लीजिएगा, जो इंसान अगर मुसलमानों का खून चूसा है वो बर्बाद हो गया है, चाहे हम हो चाहे कोई हो, इंशाल्लाह इस बार आरजेडी को बर्बाद हो जाना है, चाहे कितने भी प्रयास कर ले वो। हम लोग को एक समझदारी से, दिमाग से काम करना, एक बात ध्यान रख लीजिएगा,
कि कोई भी पार्टी जब आती है चुनाव आगमान तो कुशवाहा की पार्टी की तो कुशवाहा उसको एक बैलेट दे देता है, देता नहीं देता है। पासवान की पार्टी तो पासवान उसको एक बैलेट दे देता है। इसीलिए एक बार ध्यान रख लीजिए दलित और मुसलमान, एक दिमाग रख लीजिए कि इस बार पतंग छाप पे हमको मोहर लगाना है, चाहे मेरा आला कमान का किसी कैंडिडेट का भी फैसला हो उसको हम लोग मानेंगे, इस विधानसभा से जीता है तो उसको भेजेंगे।